दोस्तों आज एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आई है। आपको मालूम ही है भारत और चाइना बॉर्डर पर जो भारत के जवान डिप्लॉय हैं वो ITBP के हैं, या यूं कहें इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। दोस्तों ये आर्मी का वह विंग है जो चाइना से लगती हुई 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा की सुरक्षा करता है। अब खबर आई है कि लंबे समय से ITBP के जवान सीमा पर और तेज़ गति से पेट्रोलिंग करने के लिए और रसद सामग्री और घायल सैनिकों या मेडिकल सुविधा जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए पिछले 20 सालों से हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं, पर उन्हें आज तक एक हेलीकॉप्टर भी भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराया गया है। सारी फाइलें फिता कसी में उलझ कर रह गई है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि उन तक उस दुर्गम इलाके में रसद सामग्री कैसे पहुंचाई जाती है, तो इसका जवाब है भारतीय वायुसेना। दोस्तों जब भी किसी भी तरह की समस्या आती है तो उन्हें भारतीय वायुसेना से संपर्क साधना पड़ता है। वह हाई कमांड से क्लियरेंस मिलने के बाद उनका काम पूरा होता है और इन सब में कई घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। आज जहां भारत और चाइना के बीच जिस तरह की रस्साकसी चल रही है उसमें किसी भी देश को एडवांटेज हासिल करने के लिए एक एक पल की क्या कीमत है, इससे आप सभी वाकिफ हैं। ऐसे में इस तरह की समस्या का निकल कर आना निश्चित तौर पर चिंता का सबक है। दोस्तों दूसरी खबर भारत और फिलीपींस के रिश्तों को लेकर है। गौरतलब हो तो पिछले दिनों फिलीपींस के कुछ शिप भारत में एक्सरसाइज जो भारत और फिलीपींस के बीच होती थी में भाग लेने आए थे, पर कुछ तकनीकी खराबियों के कारण फिलीपींस के एक शिप में ब्लास्ट हो गया जिससे फिलीपींस नेवी के 2 जवान भी घायल हो गए थे। इसके बाद भारतीय नेवी ने न केवल फिलीपींस नेवी के शिप की मरम्मत की बल्कि उन दोनों नेवी जवानों का भी इलाज कराया, वो भी फ्री में। इसके लिए भारतीय नेवी ने किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज वसूल नहीं किया। इसके मद्देनज़र फिलीपींस नेवी के चीफ ग्लोवानी कार्लो जे बारकोडो ने भारतीय नेवी का आभार प्रकट करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि भारत और फिलीपींस की नौसेना के रिश्ते आने वाले समय में और मजबूत होंगे। दोस्तों फिलीपींस भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साउथ चाइना सी में पड़ता है जहां से भारत आसानी से चाइनीज नेवी की गतिविधियों पर नजर रख पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।